हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम घातांक और घात जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए दशमलव संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हमें घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो जो बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं उसमें हम तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घातांक, उनका प्रयोग हम करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप, तो बेटा दशमलव आप सब बच्चों को पढ़ना जो है कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनको कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है, 3.35, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? दशमलव के बाद जो संख्याएं दी होती हैं उनको हम इकट्ठा करके नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ेंगे 3.35, 3.35, ना कि 3.35। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो अब हम करेंगे संख्या का प्रसारित रूप। तो संख्या का प्रसारित रूप हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर गिवन है 47561, तो यहाँ पर इसके जो भी स्थान है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका जो स्थान है वो क्या है? 10,000 है। तो हम क्या करेंगे? 4 × 10,000, ठीक है, इसको इसके स्थान से हम जो है इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद 7 का जो स्थान है वो क्या है? वो है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7 को हम गुणा कर देंगे किससे? हजार से। उसके बाद फिर प्लस का निशान, उसके बाद 5 × इकाई, ढाई, सैकड़ा, इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। फिर बेटा इसके बाद प्लस 6 × 10 और गुना में फिर आप जो है प्लस करेंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम इसको जो हमने इनका जो है संख्या का हमने जो स्थान लिखा है उसको हम संक्षिप्त रूप में हम घातांकों का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। यानी देखिए जैसे हमने लिखा 10,000, 10,000 का मतलब क्या है बेटा? कि जब हमने 10 को 4 बार गुणा किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 10,000। यानी हम 10,000 को अगर संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? 10 की घात जो है कितना हो जाएगा? 4। 10 की घात 4 किसके बराबर है? वो 10,000 के बराबर है। इसी तरह देखिए हजार लिखा हुआ है, हजार हमें कब मिला? जब हमने 10 को 3 बार जो है गुणा किया तब हमें 1,000 मिला। यानी हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? 10 की घात 3, इसको हम दिखाएंगे। किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 सम्मिलित है, लेकिन इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा, और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, संख्या के उस रूप को हम मानक रूप कहते हैं। तो बेटा मानक रूप जो है इसके उदाहरण हम यहाँ पर अभी करेंगे। पहले हम करते हैं संख्या का प्रसारित रूप। तो ऑलरेडी हम संख्या का प्रसारित रूप ऊपर जो है कर चुके हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? संख्या हमारे पास है 390878, इसको हमें घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे करेंगे? 3 × में, अब इसका जो है यहाँ पर इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5 हैं, तो हम इसके साथ जो है इस तरह से 5 0 लगा देंगे, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर स्थान है उसके अनुसार हम इसके साथ 0 लगा देंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए 9 × में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका प्लेस जो है क्या है? 10,000 है ना, तो 10,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस 0 × 1 के साथ कितनी 0 आ जाएंगी? 3, ठीक है, 10,000 के बाद 1,000 हो गया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा? 8 × 8 के साथ क्या आ जाएगा? 100, प्लस 7 × 10, प्लस 8 × 1, लास्ट में 1 लिखेंगे। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे दिखा सकते हैं? घातांकीय रूप में हम इसको दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 3 × 10 की जो है घात कितनी हो जाएगी? 5, प्लस 9 × 10 की घात 4, प्लस 0 × 10 की घात 3, प्लस 8 × 10 की घात 2, प्लस 7 × 10 की घात 1, प्लस 8 × 10 की घात कितनी है यहाँ पे? 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। देखिए 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस तरह से ये घटते हुए 0 तक आ जाएंगे।
नेक्स्ट अब हम करेंगे संख्या का मानक रूप के और 10 की पावर जो है यानी 10 की घात n कुछ भी हो सकता है। इस तरह से जब हम दिखाते हैं तो उसको हम उसका मानक रूप कहते हैं। तो संख्या का मानक रूप जो है क्या है कि हम किसी भी संख्या को बाईं ओर से केवल एक दशमलव तक जो है उसको दिखाते हैं, उसको लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका मानक रूप कहलाता है। दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है या बाईं और दशमलव जितने अंक जाता है। तो इसको बेटा हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए हमें संख्या दी गई है 390.87.8, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये दशमलव जो है आगे लेकर जाना है। मानक रूप क्या होगा, यानी 3 के बाद यानी बाईं ओर से एक जो हमारे पास संख्या है उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें ये दशमलव लेकर आना है। यानी ये दशमलव हमें यहाँ से यहाँ पर 3 के बाद लेकर जाना है, ये दशमलव हमें यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है इस तरफ, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 3.90878 और बाकी जो है इसको हम 10 का घातांक के रूप में हम इसको दिखाएंगे। देखिए गुणा में 10, अब 10 की जो घात है वो कितनी आएगी, हमने कितने जो है स्थान इसको शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 जो है हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया है, 4 संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 की घात जो है क्या आ जाएगा, 10 की घात आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या, तो ये जो संख्या है ये 1 से 9 तक हो सकती है, 10 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इसका मानक रूप है। अब देखिए जब हम दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो जो घात होती है वो हमेशा प्लस में होती है, और जब हम इसको बाईं ओर से दाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो घात हमेशा माइनस में होती है। इसको याद करने का, लर्न करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है लर्न, ठीक है। LRN आप याद रख लीजिए, लर्न। इसका मतलब क्या है कि जब हम डेसिमल को यानी जो हमारे पास दशमलव है उसको हम लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे, ये हमारा लेफ्ट है ये हमारा राइट है, लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो जो घात होगी वो माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, और जब हम राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, घात हमारी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए हमारे पास संख्या दी गई है 390878, लेकिन अब इसमें दशमलव तो दिया ही नहीं, फिर हम मानक रूप में कैसे दिखाएंगे, तो हम इसमें दशमलव जो है वो कल्पना कर लेंगे कि वह संख्या के दाईं सिरे की ओर है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दशमलव बिंदु है, अब दशमलव को हमें यहाँ लेके जाना है 3 के बाद, तो हम क्या करेंगे, 3.90878 गुणा 10 की पावर 10 की जो है घात कितनी आ जाएगी, कितने शिफ्ट किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 10 की घात आ जाएगी 5 यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, अब आपने मानक रूप भी समझ लिया है, आपने प्रसारित रूप भी समझ लिया है, घातांकीय रूप, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बेटा मैं चाहूंगी आप इनको पहले खुद से जो है ट्राई जरूर कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए। तो आइए बेटा इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है 279404, इसका हम घातांकीय रूप लिखेंगे, तो देखिए 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए 2 गुणा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1 के साथ हमने कितनी जीरो लगा दी, 5, फिर प्लस 7, 1 के साथ हमने फिर लगाई, 7 के बाद कितनी है, कितनी यहाँ पे संख्याएं हैं, 4 है ना, तो उसके बाद 1 के साथ हमने 4 जीरो, उसके बाद प्लस, फिर 9, उसके साथ 3 जीरो, 1 के साथ फिर प्लस 4 गुणा, उसके बाद देखिए 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1। तो इस तरह से हम इसका घातांकीय रूप लिखते हैं। इसके बाद इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की घात 5, 7 गुणा 10 की घात 4, जमा 9 गुणा 10 की घात 3, जमा 4 गुणा 10 की घात 2, और जमा 0 गुणा 10 की घात कितनी है, 1, जमा 4 गुणा 10 की घात है 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हमें इसका मानक रूप लिखना है, तो मानक रूप कैसे लिखेंगे,
हमें ये दिया गया है, हमें दो के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो हम गिन लेंगे दो के बाद जो है कितने यहाँ पर संख्याएं हैं, 1, 7, 9, 4, 0, 4, टोटल 5 हैं, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है, इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, तो बेटा बहुत आसान है, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, मैंने आपको एक जो है यहाँ पे समझा दिया है। 3 यहाँ पर देखिए, 3 के साथ हम जो है इस तरह से जितने भी नंबर पीछे बच गए हैं उतना ही जीरो लगा देंगे, हर एक के साथ ऐसे लगाते चले जाएंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो 3 × 10^6 जमा 0 × 10^5 जमा 0 × 10^4। देखिए बेटा हर बार घात जो है वो हर स्टेप पे कम हो रही है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। मानक रूप में वैसे ही लिखेंगे, 3 के बाद, 3 के बाद दशमलव आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जो है यहाँ पर है 3 के बाद, तो यहाँ पर 10^6 आ जाएगा। थर्ड देखिए, 120719, इसका घातांकीय रूप इसी तरह से लिखेंगे, आप यहाँ से जो है बेटा समझ आ चुका है, लिख लीजिए। और इसका जो है हम मानक रूप कैसे लिखेंगे, एक के बाद हमें यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो उसके बाद देखिए 5 जो है संख्याएं हैं, 20719, तो यहाँ पर 20719, ठीक है, तो 10^5 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4, यहाँ पर आप इस तरह यहाँ पर भी लिख लीजिए सबके साथ, 10^6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। मानक रूप क्या हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव आएगा, उसके बाद देखिए 2 और 2, 4, 2, 6, 6 संख्याएं हैं ना, तो 10^6 यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए पांचवा, 20068, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, 2 × 10^4, फिर 10^3, अगले के साथ 10^2, 10^1, 10^0, उसका मानक रूप लिखेंगे, 2 के बाद हमने दशमलव लगाया, उसके बाद 4 जो है संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम जो है क्या लिख देंगे, 10^4। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो बेटा ये जो संख्याएं हैं इनको मानक रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो आप इस तरह से जो है इनको मानक रूप में व्यक्त करेंगे, मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमने किया है कि हम जो है बाईं तरफ से एक संख्या के बाद हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं और उसको मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जैसे संख्या दी गई है इस तरह से, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम 3 के बाद जो है यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद हम इस 3 के बाद हमने दशमलव लगाया, उसके बाद जितनी भी हमारे पास संख्याएं बची हुई हैं उतना ही हम 10^6 के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 और 0 होगी यहाँ पर बेटा 8, ठीक है, तो 10^6 क्या हो जाएगा, 8 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका मानक रूप होगा। अगर हम दशमलव के बाद 0, कोई भी 0 लिखते हैं, तो उसकी बेटा कोई जो है उसका मान नहीं होता, वो हमें लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा हम लिखेंगे, ये हमें संख्या दी गई है, तो हमें 1 के बाद यहाँ पर क्या लगा देना है, दशमलव लगा देंगे, और 1 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम गिन लेंगे, ये 9 संख्याएं हैं और हम लगा देंगे 10^9। इसी तरह तीसरा देखिए, 1 के बाद जब हमने दशमलव लगाया, यहाँ पर ये संख्या दी गई है, 1 के बाद दशमलव लगाने के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हमने गिन लिया, वो संख्या थी 9, और इस तरह से हमने 10^ लिख दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.353 × 10^9। तो बेटा ये जो है 0 को छोड़ के बाकी तो आप इसमें साथ ही लिखोगे, लेकिन 10^9 जब घात लगाओगे तो इनको भी आपको गिनना है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये संख्या दी गई है, 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद हमने बाकी जो संख्या है दशमलव के बाद वो सारी गिन ली, हमारे पास कितनी आई, 8 आई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3.84 × 10^8, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये संख्या दी गई है, संख्या जो दी गई है उसके बाद देखिए 1.2 × 10^10 जो है क्या हो जाएगा, 10, 1 के बाद हमें ये गिनने हैं कितनी है, तो ये है हमारे पास 10, तो इस तरह से हम इनको मानक रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, और वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।